बहुप्रतीक्षित नेक्स्ट जनरेशन डोमिनार 400 रिवील्ड हो गई है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नई डोमिनार 40 HP सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड 373.2 cc DOHC इंजन है। पहले पीक आउटपुट 35 HP था और पीक टॉर्क 35 Nm। ये अब 6500 RPM के बजाय 7000 RPM पर पीक करेगी, जैसे कि पहले थी। एक नोटेबल अपडेट ये है कि KTM 390 ड्यूक के समान USD फोर्ड का इसमें उपयोग किया गया है। बेहतर हैंडलिंग और सवारी के अनुभव के लिए एक नया सस्पेंशन भी जोड़ा गया है। ऑप्शनल ABS को अब स्टैंडर्ड बना दिया गया है। जहां तक कॉस्मेटिक अपडेट्स की बात है, नई डोमिनार ऑटोरल ग्रीन कलर में उपलब्ध होगी। बाइक की कीमत के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आठवीं जनरेशन की हुंडई सोनाटा रिवील्ड हो गई है। कंपनी ने तस्वीरों का एक सेट जारी किया है, जिसमें कार के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। कार का अनावरण ग्लोबल अनावरण के लिए किया गया था। कार इस साल के अंत में 19 अप्रैल को न्यूयॉर्क ऑटो शो में ग्लोबली अनावरण के लिए सिलेक्ट की गई थी। सोनाटा हुंडई की पहली कार है जो कंपनी के नए युग की सेंशियस स्पोर्टिनेस डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है, और यही कारण है कि कार को एक स्पोर्टी फोर बॉडी कूप जैसी बॉडी मिलती है, जो पहले के सोनाटा के डिजाइन से स्पष्ट प्रस्थान का संकेत देती है। जहां तक सुविधाओं का सवाल है, नई सोनाटा हिडन लाइटिंग लैंप के साथ आती है, जो डे टाइम रनिंग लाइट के साथ साथ क्रोम स्ट्रिप की दोहरी भूमिका निभाती है। अंदर की तरफ कार को अधिक प्रीमियम लुक मिलता है। इंटीरियर फीचर्स में बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्लिम सेंट्रल AC वेंट, 4-स्पोक लेदर रैपिंग स्टीयरिंग व्हील और क्रूज कंट्रोल शामिल है। अर्टिगा MPV का एक स्पोर्टियर वर्जन, जिसे अर्टिगा GT कहा जाता है, उसका मार्च के 23 तारीख को अनावरण किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही कार की कुछ तस्वीरें लीक हुई है। तस्वीरों में अर्टिगा GT को ऑल ब्लैक कलर स्कीम में दिखाया गया है। ये फ्रंट और रियर बम्पर एक्सटेंशन, ऑल ब्लैक एलॉय व्हील्स, एक नया ग्रिल और एक रियर स्पॉइलर के साथ कार की बॉडी को चारों ओर मिलता है। रेड GT की बेजिंग से कार को स्टैंडर्ड अर्टिगा से अलग होने में मदद मिलती है। हुड के तहत कार को इंडिया स्पेक मॉडल की तरह 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। अर्टिगा GT को इंडोनेशिया और बाद में कई अन्य विश्व बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। ट्रायम्फ टाइगर 800 XCA भारत में 15.16 लाख रुपए में लॉन्च की गई है। टाइगर 800 XCA टाइगर 800 के लाइनअप के ऊपर होगी, जिसमें 800 XR, XRS और XCX शामिल है। XCA लाइनअप में बाकी बाइक्स की तरह ही 95 HP इनलाइन 3-सिलेंडर इंजन है, लेकिन टाइगर 800 XCA के राइडिंग मोड में बदलाव दिखता है। बाइक 6 अलग अलग राइडिंग मोड्स के साथ आती है, रोड, ऑफ रोड, ऑफ रोड प्रो, स्पोर्ट, ट्रैक और एक एडिशनल राइडर कस्टमाइजेबल मोड। 800 XCA के फीचर्स में LED हेडलाइट्स, बैकलिट स्विच गियर, एल्यूमिनियम रेडिएटर, सम गार्ड, CNC फुटरेस्ट, हीटेड सीट और ग्रिप शामिल है। XCA को कुछ और TFT स्क्रीन और LED ऑक्सिलरी लाइट्स का एक पेयर मिलता है। होंडा सिविक भारत में 17.69 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई है, और स्पेशल डीजल वर्जन के लिए इसकी कीमत 22.29 लाख रुपए तक जा रही है। कार को पेट्रोल और डीजल दोनों ही प्रकारों में लॉन्च किया गया है, जहां 3 पेट्रोल और 2 डीजल वर्जन उपलब्ध है। डीजल इंजन 120 PS 1.6 लीटर का एक 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, जबकि 141 PS 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन एक CVT गियरबॉक्स के लिए आएगा। नई सिविक के फीचर्स में 4 फ्रंट एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर चाइल्ड सीट आइसोफिक्स एंकर, होंडा की लेन वॉच कैमरा,
LED डे टाइम रनिंग लाइट आदि शामिल है। हालांकि ये फीचर स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं है, लेकिन ये टॉप स्पेक वेरिएंट्स में उपलब्ध होंगे। फोर्ड फिगो फेसलिफ्ट भारत में 15 मार्च को लॉन्च की जाएगी और कार के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। कार अब ₹10,000 की एडवांस अमाउंट देकर डीलरशिप के माध्यम से बुक की जा सकती है। फेसलिफ्टेड फिगो दो नए इंजन विकल्प और इंटीरियर अपडेट के साथ आएगी। बाहर की तरफ कार में हनीकॉम फ्रंट ग्रिल, मॉडिफाइड फ्रंट रियर बम्पर, नए अलॉय व्हील्स और रीडिजाइन किए गए हेडलाइट्स मिलते हैं। इंटीरियर अपडेट में फोर्ड के सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 6.5 इंच की टच स्क्रीन इसके सेंट्रल पार्ट में शामिल है। सेफ्टी फीचर्स में ड्यूअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, EBD के साथ ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम शामिल है। ऑफर पर पहले से मौजूदा इंजनों के अलावा फोर्ड फिगो फेसलिफ्ट दो नए इंजन विकल्पों के साथ आएगी, एक 96 HP 1.2 लीटर और 123 HP 1.5 लीटर यूनिट। यामाहा ने भारतीय बाजार में एक नई फसिनो लॉन्च की है और ये फसिनो के डार्क नाइट नाम से जानी जाएगी। इस स्कूटी की कीमत ₹56,773 है, जो ऑफर के अन्य कलर ऑप्शन से लगभग ₹1,500 अधिक है। तो डार्क नाइट एक ऑल ब्लैक फसिनो यामाहा के नए यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। भारत में यामाहा के सभी स्कूटर 7.2 HP 113 cc इंजन से संचालित है और यामाहा फसिनो के मामले में ये अलग नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।